बहराइच से खबर है जहां दो आदमखोर भेड़ियों की ड्रोन कैमरे से की जा रही तलाशी। वन विभाग ने अब तक चार भेड़ियों को पकड़ लिया है। भेड़िया अब तक नौ लोगों की मौत का कारण बन चुके हैं, नौ लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं। भेड़ियों के हमले में 30 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अब तक आठ बच्चे और एक महिला की जान जा चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, देखिए ये आदमखोर भेड़िया जिनकी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। कई भेड़िया अभी तक पकड़े जा चुके हैं। अब तक आठ बच्चे और एक महिला की जान जा चुकी है। वन विभाग की 25 टीमें इस वक्त भेड़ियों की तलाश में जुटी हुई हैं। पकड़े गए भेड़ियों के डीएनए सैंपलिंग भी कराई जा रही है। तो ये बड़ी खबर है, देखिए दो आदमखोर भेड़ियों की ड्रोन कैमरे से तलाशी की जा रही है। वन विभाग ने अब तक चार भेड़ियों को अपनी पकड़ में ले लिया है और भेड़िया अब तक नौ लोगों की जान ले चुके हैं। नौ लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं जिनमें आठ बच्चे और एक महिला है। भेड़िए के हमले में 30 से ज्यादा लोग अब तक घायल हो चुके हैं। आठ बच्चे और एक महिला की जान जा चुकी है। वन विभाग की 25 टीमें इस वक्त भेड़िए की तलाश में जुटी हुई हैं। पकड़े गए भेड़ियों की डीएनए सैंपलिंग भी कराई जा रही है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, दो आदमखोर भेड़ियों ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की जान ले ली। नौ लोगों की जान अब तक जा चुकी है। आठ बच्चों को इसने अपना शिकार बनाया, एक महिला को इसने अपना शिकार बनाया। आदमखोर भेड़िए जिनकी तलाश लगातार जारी है, जिसके लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। वन विभाग की टीम लगातार इन भेड़ियों की तलाश कर रही है। दो आदमखोर भेड़ियों की तलाश की जा रही है। तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। ये देखिए ये भेड़िए लोगों के लिए आफत की वजह बन गए हैं, उनके जी का जंजाल बन गए हैं, गले की फांस बन गए हैं। बच्चों को निशाना बना रहे हैं, निकले जा रहे हैं और अब तक आठ बच्चों की मौत हो चुकी है, एक महिला की मौत हो चुकी है। कुल नौ मौतें अभी तक इन्हीं आदमखोर भेड़ियों के कारण से हो चुकी है और अब ड्रोन के जरिए इनकी निगरानी की जा रही है, इनकी तलाश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द बाकी के जो दो भेड़िए बचे हैं उनको भी पकड़ लिया जाए। अब तक जो भेड़िए हैं वो पकड़े गए हैं कई, लेकिन इस बीच जो और अभी गायब हैं उनकी तलाश भी की जा रही है ताकि इस वक्त बहराइच में जो ये आतंकी वजह बन चुके हैं, क्योंकि लोग इस वक्त दहशत में जी रहे हैं, इन भेड़ियों के कारण से आतंक सा पसरा है क्योंकि लोगों में इस वक्त बहुत ज़्यादा डर है, उनको अपनी ज़िंदगी का खतरा लगातार है। और आइए तस्वीरें एक बार जरा आपको दिखाते हैं, ये तस्वीरें और यहाँ पर ये आदमखोर भेड़िया आपको नजर आएंगे। गिनती कीजिए, एक दो तीन और इधर चार, ये चार आदमखोर भेड़िए आपको नजर आएंगे इन तस्वीरों के जरिए। अभी तक कई पकड़ में आ चुके हैं और जबकि दो अभी भी ऐसे हैं जिनकी तलाश की जा रही है ड्रोन के जरिए, उनको लगातार तलाशा जा रहा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये आदमखोर भेड़िए लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुके हैं, लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं, उनकी मौत की वजह बन चुके हैं। अभी तक आठ लोगों की जान जा चुकी, नौ लोगों की जान जा चुकी जिनमें आठ बच्चे हैं और एक महिला भी शामिल है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इन भेड़ियों ने परेशानी को बढ़ा दिया है। बहराइच के अंदर लोग इस वक्त डर डर के घरों से बाहर निकलते हैं और ये लगातार हमले बोल रहे हैं। वन विभाग की टीम्स एक्टिव है, देखिए साथ ही साथ ये पिंजरे में आपको पकड़े हुए भेड़िया भी नजर आएंगे। तो लगातार तस्वीरें आपको फिलहाल दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आपके सामने, जिसमें खास तौर पर आप देखेंगे कि कैसे ये गले की आफत बने हुए हैं, परेशानी बने हुए हैं और इनकी तलाश लगातार की जा रही है, इनकी तलाश लगातार की जा रही है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, बहराइच से ये बड़ी खबर है। ये आदमखोर भेड़िए लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं और लगातार लोगों की परेशानी को ये बढ़ाते हुए नजर भी आ रहे हैं। और देखिए एक और तस्वीर आपके सामने है, जिसमें आप देखेंगे वन विभाग की टीम, जो गांव वाले हैं वो सब आपको वहां पर नजर आएंगे। और बड़ी बात यह है कि लोग परेशान हो चुके हैं, लोग परेशान इस कारण से हो चुके हैं क्योंकि उनके परिवारों के ऊपर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। ये भेड़िए बच्चों को टारगेट बना रहे हैं। अब तक आठ बच्चों की जान ये आदमखोर भेड़िए ले चुके हैं। अब बच्चों पर जब आती है तो आप समझ सकते हैं कि आलम इस वक्त कैसा होगा, लोग कितना ज़्यादा डरे हुए होंगे, कितना ज़्यादा इस वक्त दहशत में जी रहे होंगे। तो देखिए इस भेड़िए ने अब तक 35 गांव को डराया है, एक और बच्चे को इसने अपना शिकार बनाया है, नौ लोगों को अब तक अपना शिकार बना चुका है। भेड़िए पर काबू पाने की कोशिश नाकाम होती हुई नजर आती है। पूरे शहर में दहशत का माहौल इस वक्त बना हुआ है। गैंग्स ऑफ भेड़िया यहां पर, जिसका जिक्र कर करके लोग अब लगातार डरे हुए हैं। 17 जुलाई को पहली बार भेड़िए ने यहां पर हमला किया, नौ लोगों को इसने अपना शिकार बनाया, 35 से ज्यादा गांव में भेड़िए की दहशत से घायल भी हुए।
दो महीने से दहशत में जीने को मजबूर है यहाँ के लोग। चार भेड़ियों को वन विभाग ने अब तक पकड़ लिया है। कई भेड़िए अब भी पकड़ से बाहर है और ड्रोन कैमरों से हो रही भेड़ियों की तलाश। आइए एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं, आप देखेंगे किस तरीके से गैंग्स ऑफ भेड़िए आपको इसमें नजर आएंगे। एक बार आपको पहले तस्वीर दिखाते हैं पिंजरे में जिन भेड़ियों को पकड़ा गया है। देखिए चार अभी तक भेड़िए हैं जिनको पकड़ा जा चुका है, जो जानकारी अभी तक मिल रही है। वन विभाग ने अब तक चार भेड़ियों को पकड़ लिया है और ये देखिए किस तरीके से जाल में पहले उनको कैद किया गया, उसके बाद में यह पूरा का पूरा पिंजरा आप देखेंगे जिसमें ये किस तरीके से बौखला रहे हैं। इनकी बौखलाहट साफ तौर पर अंदर नजर आ सकती है क्योंकि अब तक ये लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। अब तक 9 लोगों की इन लोगों ने जान ले ली, लेकिन अब खुद पिंजरे में हैं। उसके आसपास में वन विभाग की टीम आपको नजर आएगी, आपको लोगों की भीड़ वहां पर नजर आएगी और यही वो भेड़िए हैं जिन्होंने लोगों की जान ली। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी कई भेड़िए फरार हैं जिनकी तलाश लगातार जारी है और बाकायदा इसके लिए ड्रोन्स का सहारा भी लिया जा रहा है ताकि ड्रोन्स के जरिए नजर रखी जाए और उसके बाद टीम जाकर वहां उनको पकड़ ले, उनको धर दबोचा जाए। अब तक सोचिए 35 गांव ऐसे हैं जो उसके प्रभाव में आ चुके हैं। अब जरा सोचिए कि जहां पर लोगों को ये खतरा बना हुआ है कि भेड़िए उनको निगल सकते हैं, उनकी जान ले सकते हैं, तो लोग कैसे डर के साए में इस वक्त जी रहे होंगे, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे उसके बाद जब लोगों की जान जाती है वन विभाग की टीम यहां पर पहुंचती है मौके पर और उसके बाद में वन विभाग की टीम इन्हें अपने कैद में लेती है, अपने काबू में लेती है। चार अभी तक पकड़ में आ चुके हैं लेकिन अब भी कई फरार हैं जिन पर निगाह रखी जा रही है। भेड़ियों ने अब तक कब कब हमला किया? 17 जुलाई 2024 सिकंदरपुर गाँव में मासूम को भेड़िया उठाकर ले गया, 1 साल के मासूम का शव फिर उसके बाद खेत में पाया गया। 26 जुलाई 2024 नकवा गांव में बच्ची को भेड़िए ने उठाया और 3 साल की बच्ची का शव गांव में गन्ने के खेत में मिला। 3 अगस्त 2024 को कुलैला गांव में बच्चे पर हमला हुआ, भेड़िया 8 साल के मासूम को उठाकर ले गया और अगले दिन गन्ने के खेत में शव मिला। 17 अगस्त 2024 को पूरा हिंद सिंह गांव में भेड़िया बच्ची को उठा ले गया और माँ के पास सो रही थी बच्ची, अगले दिन गन्ने के खेत में बच्ची का शव मिला। फिर 21 तारीख को हमला होता है जब गडरिया गांव में बच्ची को उठाकर भेड़िया ले गया और हमले में बच्चे की मौत हो गई, घर के करीबन 1 किलोमीटर दूर बच्चे का शव मिला। 25 अगस्त को फिर इन लोगों ने हमला किया, महसी गांव के अंदर यह हमला था, बरामदे में एक महिला सो रही थी उसके ऊपर हमला कर दिया और उसे महिला को जबड़े में दबाया और गांव वालों ने महिला को छुड़ाया, इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। 26 अगस्त 2024 को खैरीघाट इलाके में हमला हुआ, मां के पास सो रहे मासूम को उठाया, घर से 500 मीटर दूर मासूम का शव पाया गया, भेड़िया बच्चे का सिर खा गया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग इस वक्त कैसे डर के साए में जी रहे होंगे। अपने घरों से बाहर निकलना तो छोड़िए, अपने बरामदे में झांकने की लोगों की हिम्मत इस वक्त नहीं हो पा रही है इन गैंग्स ऑफ भेड़िया के चक्कर में। 17 जुलाई को पहली बार भेड़ियों ने हमला किया था, 9 लोगों को अब तक शिकार बना लिया, 35 से ज्यादा गांव इस वक्त भेड़िए की दहशत में है। 2 महीने से ज्यादा इस वक्त हो चुका है जब लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं, 9 लोगों को शिकार बना चुके हैं अब तक। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं जो तस्वीरें आपको डराएंगी भी। 35 से ज्यादा गांव में अब तक भेड़ियों की दहशत बनी हुई है। आइए एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से लोगों के लिए जी का जंजाल बने हैं ये गैंग्स ऑफ भेड़िया। 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब दहशत में जीने के लिए मजबूर हैं गांव वाले। 35 गांव के लोग हैं, एक आध गांव नहीं, दर्जन भर गांव नहीं, 2 दर्जन गांव नहीं बल्कि लगभग 3 दर्जन गांव। कई भेड़िए अब भी पकड़ से बाहर हैं और इसलिए लोगों का दिल धड़क रहा है जोरों से, और दिल धड़क रहा है इसलिए क्योंकि जिस तरीके से बच्चों को मौत के घाट इन भेड़ियों ने उठाया है उसके बाद तो जाहिर तौर पर लोगों में इस वक्त दहशत इसलिए भी बनी हुई है कि अब आखिर आगे क्या होगा, आखिर कैसे उनके बच्चे बचेंगे, कैसे घर की महिलाएं बचेंगी। ये भेड़िए जाते हैं सीधे मुंह में दबाते हैं और उसके बाद किसी का सर खा लेते हैं, किसी के हाथ पैर खा लेते हैं और इस तरीके से ये उन्हें अपने लिए शिकार बनाते हैं और उनको निगल जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि गांव के लोगों का हाल क्या होगा, रिहायशी इलाकों में लोगों को ये निशाना बना रहे हैं और बहराइच में इसीलिए इनको गैंग्स ऑफ भेड़िए कहा जा रहा है क्योंकि 35 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। 2 महीने से ज्यादा का वक्त बहुत होता है, मतलब आप समझ रहे हैं कि 2 महीने हो चुके हैं। अब आप जरा फिर से इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहां पर आपको ये भेड़िए घूमते हुए नजर आएंगे और इनमें आप देख सकते हैं कि जहां जहां पर भी इनकी तस्वीरें आती हैं लोग वहीं दहशत में हो जाते हैं, एकदम से सन्न हो जाते हैं क्योंकि नहीं पता ये कब कहां पर हमला बोलेंगे। अब ऐसे में लोग अपने अपने स्तर पर इंतजाम कर रहे हैं, हालांकि वन विभाग की जो टीम्स हैं वो भी इस वक्त लगातार लोगों की मदद के लिए वहां पर पहुंच रही हैं,
पकड़ने के लिए पहुंच रही हैं, लेकिन लोग जो अपनों को खो चुके हैं या जिनको अभी अपनों को खोने का डर बना हुआ है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी स्थिति इस वक्त कैसी होगी। आप बस एक बार सोचिए आंख बंद करके भी कि अगर आपके किसी भी परिवार के सदस्य के ऊपर कोई खतरा बना हो तो आप कैसे, किस तरह से रिएक्ट करेंगे, कैसे आप रिएक्ट करेंगे। आप डर जाएंगे, आप चकपका जाएंगे, आप हर वक्त पल पल डरेंगे। आपको ये लगेगा कि यहाँ से चले जाना चाहिए, आपको लगेगा कि किस तरीके से इंतजाम किया जाए कि अगर ये आदमखोर भेड़िया घर में आ जाते हैं तो बचाया जाएगा परिवार के लोगों को। इस बीच वन विभाग की टीम्स भी लगातार इनको पकड़ने की जद्दोजहद में जुटी हुई हैं, लेकिन अभी भी माना यह जा रहा है कि 2 से 3 भेड़िए हैं जो अभी भी फरार हैं। 17 जुलाई को, जैसा हमने बार बार जिक्र किया कि 17 जुलाई को पहली बार हमला हुआ, 9 लोगों को शिकार बनाया गया, 35 से ज्यादा गांव भेड़िए की दहशत में इस वक्त हैं, 2 महीने से दहशत में जीने को मजबूर हैं लोग, 4 भेड़ियों को वन विभाग ने पकड़ा, कई भेड़िए अब भी पकड़ से बाहर हैं, ड्रोन कैमरों से हो रही है भेड़ियों की तलाश, वन विभाग भेड़ियों को पकड़ने में जुटा हुआ है, प्रशासन ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील इस बीच की है, रिहायशी इलाकों में लोगों को ये निशाना बना रहे हैं। बहराइच में तो लोग कह रहे हैं कि इन भेड़ियों से बचाओ, भेड़िया ने एक और बच्चे को शिकार बना लिया जो जानकारी मिली, तो अब तक कुल मिलाकर 9 लोगों को ये लोग शिकार बना चुके हैं। भेड़िया पर काबू पाने की तमाम कोशिशें इस वक्त जो हो रही थी वो नाकाम नजर आती हैं, और इसी कारण से जो पूरा शहर है वहां पर दहशत का माहौल बना है। पूरा शहर और जो आसपास के लगते गाँव हैं, जो आप वहां पर गाँव है, शहर है, हर जगह के लोग इस वक्त परेशान हो चुके हैं। हमने जिक्र भी किया कि कहाँ कहाँ कब कब कैसे हमला हुआ, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां पर आपको ये भेड़िए घूमते हुए नजर आएंगे, और हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई जहां पर लोग इस वक्त दहशत के साए में हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बहराइच के लोग जो हैं वो कितना ज़्यादा परेशान होंगे इस बात का अंदाज़ा लगा पाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये भेड़िया कब कहाँ पर हमला बोलेंगे नहीं पता। ऐसे में जाहिर तौर पर आप सोचिए कि लोगों के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी, लोगों को अपने खेतों में जाना है, अगर पुरुष घर के खेतों में चले जाते हैं तो फिर बच्चे और महिलाओं के ऊपर एक खतरा बना हुआ है, और सोचिए अगर रात को सो रहे हैं तो ये सोते सोते बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, ये महिलाओं को उठाकर ले जाते हैं। वन मंत्री तो मोर्चे पर नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच रात भर इलाके में गश्त की जा रही है, विधायक ने तो बंदूक ही थाम ली, भेड़ियों का ड्रोन वीडियो सामने आया है, ड्रोन से भेड़ियों की तलाश लगातार की जा रही है, रात को भी भेड़िया दिखा। लेकिन इस बीच इस सबसे इतर लोगों में जो दहशत बनी हुई है उसका अभी तक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार यहाँ पर हमले हो रहे हैं उसके बाद भेड़ियों के आतंक से लोग जरूर डरे हुए हैं, चाहे विधायक साथ में आए, चाहे कोई और अधिकारी साथ में आए, लेकिन लोगों का कहना ये है कि उनकी ज़िंदगी तो इस पर ख़तरे में है, उनके बच्चे, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है, और तो और उनके घर की महिलाओं की ज़िंदगी इस वक्त ख़तरे में है। और इस तरीके से लगातार देखा जाए तो लोगों का लगातार जो गुस्सा है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वन विभाग की टीम्स यूँ तो मौके पर तैनात हैं, गश्त भी की जा रही है, लेकिन बहराइच में भेड़ियों का आतंक है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और अभी भी माना यह जा रहा है कि 2 भेड़िए हैं जो फरार हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है, और उनका एक ड्रोन वीडियो भी सामने आया है। तो यहाँ आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िया के हमले ने दहशत फैला दी है, अब तक 1 महिला समेत 9 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। हालांकि 4 भेड़िया पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी भी 2 आदमखोर खुलेआम घूम रहे हैं, और उनको पकड़ने के लिए दर्जन भर से ज़्यादा टीम इस वक्त तैनात की गई है, गश्त दी जा रही है। जो विधायक हैं वो इस वक्त हाथ में बंदूक थामे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस सबसे तर एक हकीकत यह भी है कि भेड़ियों का आतंक लगातार, अब यहां पर आपको 4 भेड़िए नजर आएंगे, यूपी के 35 गांव में भेड़ियों का आतंक, अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। और देखिए जो महिलाएं जिनके पास से बच्चों को उठाया गया वो जब अपना दर्द बयां कर रही हैं तो सिहरन पैदा हो जाती है। बताती है एक महिला कि मैं अपने 7 साल के बेटे के साथ रात को आंगन में सो रही थी, भेड़िया बच्चे को उठाकर कब ले गया मुझे तो पता भी नहीं चला, जब नींद खुली तो बेटा गायब था, घरवालों के साथ रात भर बेटे को खोजती रही लेकिन नहीं मिला, सुबह गांव वालों ने बताया कि बेटे का शव खेत में पड़ा है, बेटे का पूरा सर भेड़िया खा चुका था। रोती बिलखती एक और महिला बताती है कि बेटे को सोमवार रात भेड़िया उठाकर ले गया था, बहराइच के खैरी घाट में वो रहती है, और 48 घंटे में भेड़िए के हमले से यहाँ 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 47 दिनों में भेड़िए का झुंड, 8 बच्चों सहित 1 महिला का शिकार कर चुका है। राजधानी लखनऊ से 150 किलोमीटर दूर महसी तहसील में भेड़ियों का खौफ है, आतंक ऐसा कि 35 गांव इसकी जद में हैं। भेड़ियों का खौफ इतना है कि गांव वाले लाठी डंडे लेकर रात भर पहरेदारी कर रहे हैं, वन और पुलिस विभाग के करीबन 200 कर्मचारी खेत और जंगलों में भेड़ियों की तलाश में कॉम्बिंग कर रहे हैं। महसी से विधायक सुरेश्वर सिंह खुद बंदूक लेकर भेड़िए की तलाश में हैं, लेकिन हमले के बाद भेड़िए जंगल से भाग जाते हैं।
बच्चों को ये भेड़िए टारगेट कर रहे हैं। आदमखोर भेड़ियों का शिकार बच्चे ज्यादा हो रहे हैं। इससे पहले 21 अगस्त की रात इसी तरह की घटना हरदी इलाके के बस्ती गडरिया में हुई थी। दादी और उसके दो जवान बेटों के बीच 8 साल की पोती खुशबू सो रही थी। रात करीबन 11 बजे आदमखोर भेड़िया ने चुपके से हमला किया। पलक झपकते खुशबू को दबोचा और भाग गए। परिवार के लोग इससे पहले क्यों कुछ समझ पाते, आंखों से वो बच्ची ओझल हो गई। रात भर पूरा गांव बच्ची की तलाश करता रहा। सुबह 1 किलोमीटर दूर उसकी लाश मिली। उसके शरीर का करीबन 60% हिस्सा ये आदमखोर भेड़िए निगल चुके थे। 17 जुलाई 2024 को हरदी इलाके में सिकंदरपुर गांव के मक्कापुरबा में 1 साल के बच्चे को उठाया और उसका शव खेत में मिला। 26 जुलाई को हरदी इलाके में ही एक बार फिर नकवा गांव है जहां पर 3 साल की बच्ची को उठाया और उसको भी ये लोग निगल गए। 21 अगस्त को हरदी इलाके के ही गडरिया गांव में 7 साल की बच्ची खुशबू को भेड़िया उठाकर ले गए और 1 किलोमीटर दूर उसकी लाश मिली। 25 अगस्त को महसी इलाके में बरामदे में सो रही 60 साल की महिला पर भेड़िया ने हमला कर दिया। पहले नोचा खरोचा, फिर जबड़े में दबाया और भागने लगा। परिजनों ने दौड़कर उसे बचाया लेकिन महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। 3 अगस्त को हरदी इलाके के ही कुलैला गांव में 8 साल का एक और शख्स जो कि इसके हमले का शिकार हुआ उसे भी भेड़िया उठा ले गया और गन्ने के खेत में उसका शव मिला। 17 अगस्त को हरदी इलाके में 4 साल की बच्ची अपनी माँ के साथ सो रही थी और भेड़िया ने हमला किया, उसे उठाकर ले गया और अगले दिन खेत में शव मिला। 26 अगस्त को खैरी घाट इलाके में भेड़िया माँ के बगल में सो रहे 7 साल के बच्चे को उठाकर ले गया और शव मिला 500 मीटर दूर। 70,000 से ज्यादा लोग इस वक्त खौफ में जी रहे हैं। बहराइच की महसी तहसील के हरदी खैरी घाट इलाके में तो 35 से ज्यादा गांव हैं जहां पर आबादी करीबन 70,000 है। ये लोग आदमखोर भेड़िए के खौफ में जी रहे हैं। ज्यादातर गाँव घाघरा नदी के किनारे बसे हैं। नदी के किनारे जंगल झाड़ियां हैं और इनमें ही ये भेड़िए छिपे होते हैं। 8 से 10 का झुंड घात लगाकर हमला करते हैं भेड़िए। पूरे इलाके में भेड़ियों का आतंक इस कदर है कि लोग रात भर सो नहीं पा रहे। गांव वाले बताते हैं कि 8 से 10 भेड़िए इस इलाके में घूम रहे हैं और मौका मिलते ही अटैक करते हैं। कुलैला, मक्कापुरवा, भटौली, नकवा, कुम्हारन, पुरवा में रात को बिजली जाने के बाद सन्नाटा पसर जाता है और खौफ में जी रहे लोग बच्चों को अकेला नहीं छोड़ पा रहे। रात को टोलियां बनाकर पहरा देते हैं। 6 अभी तक बच्चों की जो पहले जान का आंकड़ा था वो और बढ़ा, 8 बच्चों की जान ले ली और 1 महिला को भी शिकार बनाया और इस तरीके से अब तक 9 लोगों की जान ये भेड़िए ले चुके हैं। तो देखिए 32 राजस्व टीम इस वक्त लगी हुई हैं। इस अगर ऑपरेशन भेड़िया की बात करते हैं तो अभी तक कहां पर कितनी कार्रवाई हुई है उसमें जरा समझिए। और अभी हमने जिक्र भी किया कि 200 पुलिसकर्मी अभी तैनात किए गए हैं ताकि लोगों की सुरक्षा हो। 16 वन विभाग की टीम्स हैं जो इस वक्त तैनात है वहां पर ऑलरेडी, ताकि इन भेड़ियों की धरपकड़ की जाए। लोग खुद भी अपने स्तर पर गश्त दे रहे हैं। लोग एक एक करके एक तरीके से ग्रुप तैयार करते हैं और उसके बाद हर कोई पहरेदारी दे रहा है। हाथों में लाठी डंडे लेकर लोग भेड़ियों से निपटने की तैयारी करते नजर आते हैं। इस बीच तकनीक की अगर बात करते हैं किन किन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है और ड्रोन के जरिए इनकी तलाश की जा रही है। इंफ्रारेड कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा देखिए बात करते हैं तो थर्मल इमेजिंग कैमरे भी लगाए गए हैं इनकी धरपकड़ के लिए, ताकि अच्छे से पता लगे लोकेशन क्या है, कहाँ पर ये हैं, ताकि इनको पकड़ा जाए। अभी तक 4 पकड़े जा चुके हैं। दरवाजे लगाए जा रहे हैं। सुरक्षा के इंतजाम की अगर बात करते हैं ताकि ये भेड़िए आए ना, रात को गश्त की जा रही है। पुलिस वाले अलग गश्त कर रहे हैं, गांव वाले अलग गश्त कर रहे हैं, वन विभाग की टीम की मौजूदगी है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि लोग जो बाहर सो रहे हैं, जैसे कई आपने देखा कि लोग बरामदे में सो रहे थे, बच्चों को उठाया लेकर चले गए। पिंजरे के जरिए जाल का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इनको कैद किया जा सके, इनको पकड़ा जा सके। लेकिन अभी तक की जो तस्वीरें आ रही हैं सामने वो जाहिर तौर पर डरा देने वाली हैं। एक मादा भेड़िया पकड़ी गई जिसकी मौत हो गई 3 अगस्त को। 8 अगस्त को वन विभाग ने एक नर भेड़िया पकड़ा और इसके अलावा 18 अगस्त को एक मादा भेड़िया फिर पकड़ी गई और इस तरीके से 29 अगस्त को चौथी गिरफ्तारी होती है। एक नरभक्षी भेड़िया जो कि नदी किनारे था उसे नदी किनारे पकड़ लिया गया और 4 भेड़िया अभी तक पकड़े जा चुके हैं लेकिन खबर है कि 2 अभी भी फरार हैं। और आशुतोष मेरे सहयोगी इस वक्त हैं। आशुतोष, क्या स्थिति बनी हुई है, आज का क्या अपडेट है
पूजा देखिए, कल जो है एक भेड़िया पकड़ा गया था, ये आदमखोर भेड़िया था। इसकी लगातार वन विभाग की टीम को तलाश थी, तो पूरे तकरीबन 30 गांवों में 16 टीमें लगाई हैं जो पल पल की निगरानी कर रही हैं, जिसमें ड्रोन की मदद से इसको ट्रैक किया गया और उसके बाद ट्रैंकुलाइज करके इसको पकड़ा गया और पिंजरे में कैद करके गोरखपुर भेज दिया गया है। लेकिन अभी भी आशंका है, क्योंकि दो भेड़िए वहां भागने में कामयाब रहे थे। इसके अलावा ग्रामीणों का अपना अलग आंकड़ा है, ग्रामीणों का कहना है कि ये संख्या ज्यादा है। हालांकि वन विभाग के अधिकारी अब ये कह रहे हैं कि केवल दो आदमखोर भेड़िए हैं जिनको अब पकड़ना बाकी रह गया है और पुलिस लगातार टीम लगी हुई है। कल रात में यानी कि आज रात में ये देखा गया है कि दो भेड़िए एक गांव में घुसे जहां उन्होंने हमला करने का प्रयास किया, ग्रामीणों ने उन्हें घेरा और उसके बाद पुलिस को सूचना दी, तो देर रात वन विभाग की टीम और पुलिस वहां पहुंची। ये सिपुर गाँव बताया जा रहा है जहाँ भेड़ियों की चहलकदमी देखी गई है। अभी भी जो आसपास के गांव हैं वो दहशत में हैं, चूंकि लगातार भेड़ियों वहां नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन के जो आलाधिकारी हैं, वन विभाग के आलाधिकारी अपील कर रहे हैं कि छोटे बच्चों को कमरों के अंदर लेटाएं और दरवाजे बंद करके लेटें, क्योंकि एक ऐसी दर्दनाक घटना उस इलाके में हुई जिसके बाद पूरा इलाका दहशत में है कि एक बच्चा अपनी माँ के साथ सो रहा था और माँ को पता ही नहीं लगा कि बच्चा कब भेड़िया उठा ले गया। सुबह जब उसने देखा बच्चा नहीं था तो बगल के ये खेत में आधा बॉडी उसका खेत में मिला था। तो इसके बाद पूरे इलाके में दहशत है। तमाम जो आलाधिकारी है वन विभाग के वो वहाँ पड़े हुए हैं, रेस्क्यू टीम जो है लगातार काम कर रही है। भेड़िए इतनी चतुराई से निकल जा रहे हैं कि जैसे ही अब वो इतना समझ चुके हैं, जैसे ही ड्रोन उनको दिखाई पड़ता है तो वो समझ जाते हैं कि ये कोई ऐसी मशीन है जिसकी वजह से हमारे ऊपर हमला हो सकता है, तो भेड़िया स्थान चेंज कर दे रहे हैं। ड्रोन के स्थान पर जब वन विभाग के अधिकारी पहुंचते हैं तो पता लगता है कि भेड़िया 3 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं। तो अब ये स्थिति बनी हुई है उस इलाके की, अधिकारी अब उनको पकड़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी और भी कुछ और नई तकनीकों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है क्या? क्योंकि विधायक ने थाम लिया बंदूक, लोगों के हाथों में लाठी डंडे हैं, उधर इंफ्रारेड कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ और भी प्लानिंग है क्या? प्लान टू प्लान बी भी है क्या? अभी देखिए वन विभाग का ये कहना है कि अब ये दो भेड़िए हैं जिनको हम लोग पकड़ेंगे, क्योंकि कल बारिश होने लगी थी वहां और रात में ये भागने में कामयाब रहते हैं, तो पकड़ने का काम दिन में होता है। कल दो पकड़े गए थे, एक पकड़ा गया था, आज पूरी टीम सुबह से ही इस मूवमेंट में लग गई है कि कहां भेड़ियों का जो चहलकदमी जिस इलाके में देखी जा रही है उस इलाके को टीम की ओर से घेरा गया है, पिंजड़े लगाए गए हैं और भी जो संसाधन होते हैं। अभी कल क्या हुआ था कि छोटे छोटे जानवरों को वहां छोड़ा गया था, जैसे कि बकरी को छोड़ा गया था, तो वन विभाग ने प्लानिंग के तहत एक बकरी को वहां खेत में बांधा कि भेड़िया इस बकरी को देख के आएगा, और वन विभाग की टीम लगी रही और भेड़िया बकरी को उठा ले गया। तो उसके बाद जब इलाके में छानबीन हुई तो पता लगा कि भेड़िया है ही नहीं वहां, तो ऐसी स्थिति बनी हुई है। पल पल की नजर ये लोग रखे हुए हैं, लेकिन भेड़िए बड़े चतुराई से वहां से भागने में कामयाब हो जा रहे हैं। ये दो भेड़िए बचे हैं वन विभाग की ओर का कहना है, लेकिन ये दो भेड़िए बेहद खतरनाक हैं, क्योंकि इनके इनके अंदर ऐसा पाया जाता है कि ये परिवार के बेहद प्रेमी होते हैं, यानी कि इनके जो चार साथी जब से पकड़े हैं उसके बाद से ये और आक्रामक रूप दिखा सकते हैं, ये वन विभाग का ऐसा कहना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।